इस सवाल को देखें, 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। 5 वर्ष बाद बोला हुआ है, इस पर जरा ध्यान देना है। जबकि 5 वर्ष पहले उस पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र कितने वर्ष की है? तो यहां जो भी जवाब दिया गया है उसमें से एक सही है, और वो क्या है? पिता की वर्तमान उम्र, चाहे वो 3500, 4000, 5000, 4500, 4500, 4500। चलिए 5 वर्ष बाद वाली कहानी को पहले देखते हैं। तो 35 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 40 हो जाता है ना। 40 देखो 3 का तो गुणक है नहीं, 3 गुनी बोला हुआ है, ठीक है ना। तो 40 को 3 से भागा जाना चाहिए, नहीं होगा तो इसको हम काट देते हैं। अब अगर देखो 5 वर्ष बाद तो ये क्या होगा, 5 वर्ष बाद ये 45 हो जाएगा। 45 अगर होगा और बाप अगर 3 गुना है तो बेटे का उम्र क्या होगा, 15 वर्ष होगा। क्या है कि 15 तिया 45। अब बोलता क्या है, लेकिन अभी बाप की उम्र क्या है, अभी बाप की उम्र तो 40 साल है। तो ये एक दूसरा कंडीशन पे आते हैं, ये पहला कंडीशन 3 गुनी, ये तो सही हो गया। अब बोलता है 5 वर्ष पहले, अभी अगर 40 है, ठीक है ना, तो इससे 5 हम लेस कर देंगे तो 5 साल पहले वाली कहानी आ जाएगी, तो ये क्या होगा, 35 होगा। अब बोलता है बेटे की उम्र की 7 गुनी थी, तो 35 को अगर 7 से भागा देते हैं तो 5 साल। अब देखो तो मतलब है कि 5 साल पहले बेटे की उम्र 5 था, आज के डेट में क्या होगा, 5 साल इसे जोड़ेंगे तो 10 साल हो गया। लेकिन सवाल में बोला था कि 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब बेटे की उम्र में और 5 साल जुड़ेगा, तो देखो ये 15 हो गया। और देखो ये 15 साल और ये 15 साल दोनों ही बराबर है, ठीक है ना। तो हम समझ गए कि देखो बेटे का उम्र जो है आज के डेट में 10 साल है, क्योंकि 5 साल पहले बाप का उम्र जब 35 था, ठीक है ना, बेटे का उम्र 5 था जो हमें यहां से मिला, और 5 साल बाद मतलब 10 साल जुड़ेगा, क्योंकि अभी का 5 साल ये पहले का था आज से, तो 5 साल जुड़ा तो आज का उम्र हुआ, फिर 5 साल बाद की बात होता है तो 15 होगा। तब हमने देखा कि बेटा का उम्र 45 है तो वो 3 गुना होता है। तो मतलब देखो दोनों कंडीशन होता है। इसमें थोड़ी सी अगर चर्चा, थोड़े से 2-4 ऐसे मैथ को बना लेते हैं तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है, फटाफट कर डालते हैं बिना किसी सोच के साथ। चलिए।